मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। सेंटर संचालिका की गुंडई। साउथ इलाके में स्पा सेंटर चलाने वाली महिला का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि पुलिस भी उसके आगे मेहरबान हो गई। दरअसल बिधनु थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक युवती ने बुधवार को डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को प्रार्थना पत्र लिखा, जिसमें कहा कि पास में रहने वाले मसाज सेंटर संचालिका लकी सिंह उर्फ प्रिया और उसके गुर्गे आशीष पांडे पवन सिंह लगातार धमकाते हैं। युवती का आरोप है कि संबंधित थाना और उच्च अधिकारियों से कई बार प्रार्थना पत्र दिया गया है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। संबंधित CO कार्यवाही के नाम पर बार बार पुलिस कार्यालय बुलाते रहे, लेकिन ना तो आरोपियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई, ना कोई पूछताछ। दरअसल महिला का आरोप है कि पुलिस आरोपियों से मिली हुई है और आरोपियों पर पुलिस का संरक्षण है। पुलिस आरोपी की मदद के लिए पूरे मामले में हीला हवाली कर मामले को रफा दफा करने में जुटी है। वहीं FIR ना दर्ज होने से गुंडों के हौसले बुलंद हैं। पीड़ित का कहना है कि कार्रवाई ना होने पर मसाज सेंटर संचालिका और उसके साथी खुलेआम बोल रहे हैं, तूने मेरा क्या कर लिया, अब मैं तेरी बेटी को अगवा कर लूँगा और उसको बर्बाद कर दूंगा। कानपुर से संवाददाता आलोक ठाकुर की खास रिपोर्ट। CO साहब के पास जा के मैं थक चुकी हूँ, कभी बुलाते आश्वासन देते हैं मैं तुम्हारी FIR दर्ज कर लूंगा, ये करो, सारे मेरे से एविडेंस ले चुके। क्या है मामला? मामला ये सर, क्योंकि मेरी फर्स्ट मैरिज हो चुकी थी, पांडे मुझे वो मिले थे, लॉयर बन के मिले थे, इन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले लिए थे, लेना हो गया, उसके बाद इन्होंने अपने घर में बर्थडे पार्टी के बहाने से बुलाया मैं जी मुझे बुलाया पैसे लेने के बाद मुझे अपराध के केस में इन्होंने मुझे जेल भेज दिया। किदवई नगर थाने से मैं जेल गई, 3 महीने मैं जेल काट के आई। 6 दिसंबर को मैं जेल चली गई और 12 फरवरी को इन्होंने शादी कर ली लकी नाम की महिला से, जो स्पा संचालिका, इसके 2 स्पा चल रहे हैं। इससे पहले भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मैं सभी कमिश्नर साहब के पास गई। कहाँ पर आई आप? मैं कमिश्नर साहब के पास आई हूँ। क्या समझा उन्होंने? उन्होंने क्या 2 दिन का टाइम मांगा, मैं 2 दिन के अंदर करूंगा। मेरा नाम है दीक्षा सिंह। दीक्षा जी, आज कहाँ पर आई हैं? पूरा क्या मामला है? सर, मैं कमिश्नर साहब के ऑफिस आई हूँ, मेरे जो मेरी फर्स्ट मैरिज हो चुकी थी, फर्स्ट मैरिज होने के बाद मुझे आशीष पांडे मुझे कोर्ट जाते हुए मिले, इन्होंने बताया मैं एक कानपुर का बहुत बड़ा लॉयर हूँ, उसी बीच मेरे डॉक्यूमेंट्स लेने देने हो गए थे, मैंने इनको डॉक्यूमेंट्स दिए। मेरा ससुराल सिकंदराबाद में गाजियाबाद के पास था, ये मेरे ससुराल जाने के बाद मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स दे आए जाके, उसके बाद में इन्होंने अपने घर मुझे बर्थडे पार्टी के बहाने बुला के मेरी वीडियो क्लिप तैयार की, उसकी दम पे मुझे ब्लैकमेल करने लगे। ब्लैकमेल करने के बाद जब इन्होंने उनसे कहा मेरा पति से डाइवोर्स नहीं हुआ, मेरा पीछा छोड़ दो, तो ये वीडियो वायरल करने की मुझे धमकियाँ देने लगे, धमकी दें। फिर इन्होंने जब मैंने इनके ऊपर तहरीर लिखा दी बर्रा थाने में, जो 841 में पंजीकृत है, उसमें कि इन पे मुकदमा हो गया, इन्होंने आर्य समाज में नकली शादी कर ली। फिर जब हमने कहा तुमने शादी कर ली, तो फिर इन्होंने कहने लगे ये तो तू क्या कर लेगी मेरा जाके, ये सर्टिफिकेट भी नकली है, सर्टिफिकेट नकली। फिर इन्होंने करने के बाद में फिर कुछ बाद दिन बाद मेरा एक बेटा हुआ, उससे वो कान्हा पांडे है, वो हॉस्पिटल में एडमिट था, बट उसके एडमिट होने के बाद कुछ टाइम बाद ये भाग गए। भाग जाने के बाद इन्होंने मुझे झूठे अपहरण के केस में मेरी इन्होंने मुझे जेल भेज दिया, 3 महीने मैंने जेल काटी। जेल काटने के बाद मैं वापस आई, तब इन्होंने लकी से शादी कर ली, जो कि अंदर हमको जिला कारागार में मिली थी सेक्स रैकेट में, वो ऑलरेडी पहले ही से ही अंदर थी। उससे मैंने बताया अपनी आपबीती बताई कि आशीष पांडे ने मुझे इस तरह से अपने इस अपहरण के केस में मुझे जेल भेज दिया, तो मैंने इसको अपना कमिश्नर साहब से ये आश्वासन मिला है कि मुझे 2 दिन के अंदर मैं तुमको न्याय दिलाऊंगा। अगर न्याय नहीं मिलता आगे आप क्या? मैं अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं इसे DGP ऑफिस जाऊंगी, आदित्यनाथ योगी जी के उसमें दरबार जाऊंगी और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ।